हेलो एवरीवन, मैं गायत्री, हाउ टू मेक बाय गायत्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ लच्छा पराठा की रेसिपी। जी हाँ, ये है आटे से बना हुआ लच्छा पराठा, जो बहुत सारी लेयरों के साथ में बना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी एक एक लेयर आपको अलग अलग दिख रही है। तो इसको हमें कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं है। और गेहूं के आटे से जो लच्छा पराठा बनता है उसमें और मैदे के लच्छे पराठे में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। यहाँ देखिए आप इसके लच्छे कितने अच्छे से दिख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा और उसी के साथ इसमें लूँगी मैं 4 टीस्पून घी। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया, आप बटर ले सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे नमक। बस ये 3 इंग्रेडिएंट के साथ में हम इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको डो तैयार करना है। एकदम सख्त आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा इसका गूंदना है। थोड़ा सा पानी लगा कर इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ये जैसे फटता है ना, इस तरह से नहीं फटना चाहिए। थोड़ा सा घी लगा के इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। 10 से 15 मिनट चुके हैं और यहाँ देख रहे हैं आप डो सॉफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। ये यहाँ पर डो हमारा तैयार हो गया है। तो इसको हाथ से थोड़ा सा और मसल के और इसके बराबर साइज़ के गोले कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो रोटियाँ बनाती हूँ ना, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का लोई लूँगी, क्योंकि हम बना रहे हैं लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठे के लिए बहुत सारे लच्छे बनना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको थोड़ा बड़ा साइज़ का गोला लेंगे। ये देखिए मैंने इतने बड़े साइज़ का गोला लिया है, मतलब नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा लेना है। और इसके मैं इस तरह से गोल बना ली हूँ अच्छे से। और इसमें देखिए कहीं से भी मतलब स्क्रेच नहीं पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। तो बस इस पर हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके और गेहूं का आटा लेंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। जितनी पतली रोटी आप बेल सको ना इसकी, उतनी अच्छी पतली रोटी बेल लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि गोली बेले, टेढ़ी मेढ़ी भी आप इसको बेल सकते हो, लेकिन पतली बेलनी है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर मैं एकदम इसकी पतली रोटी बेल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही पतला बेला है, देखिए बहुत ही पतली बेली है। तो आप भी कोशिश करिएगा पतली बेलने की। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ घी। तो यहाँ पर 2 या 3 टीस्पून के आसपास घी लगाएंगे और पूरी रोटी पे अच्छे से फैलाएंगे। आप चाहो तो बटर का यूज़ भी कर सकते हो, और बटर घी से ही जो लच्छा पराठा ना, वो काफ़ी अच्छा लच्छेदार बनता है, साथ में टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों तरफ अच्छे से घी लगा लिया है और अब इस पर लगाऊंगी आटा। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ गेहूं का आटा स्प्रिंकल कर दूंगी। हम बना रहे हैं गेहूं का पराठा लच्छेदार, तो गेहूं का ही आटा हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मैदा, सॉरी आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है और उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बहुत सारे तरीके मैंने इससे पहले की लच्छे पराठे शेयर करके उसमें बता रखा किस तरह से आप और बहुत तरीके से लच्छा पराठा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लेयर बाय लेयर फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे तो देखिए, क्योंकि जो लच्छे आते हैं ना, वो इसी तरह से आते हैं, एक के ऊपर एक लेयर रख के, या फिर आप इस तरह से कट के निशान लगा कर भी लच्छे पराठे बना सकते हैं। मतलब पूरी रोटी पे इस तरह से कट के निशान लगा कर भी लच्छा पराठा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने लिया है और ये जल्दी हो जाएगा, इस तरह से बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से बहुत थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ही मैंने इस तरह से लंबाई में कट के निशान लगाए हैं रोटी पर। और इस तरह से कट के निशान लगाने के बाद फिर हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। तो यहाँ पर देखिए मैं चारों तरफ इस पे फिर से घी लगा रही हूँ। और घी लगाने के बाद अगर आप चाहो तो इस पे आटा फिर से स्प्रिंकल कर दो, या फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कर देंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर मैंने नहीं करा है और इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए मैदे का जो लच्छा पराठा ना, वो भी इस तरह से बनता है, लेकिन मैदे में जो रहता है ना, वो लेयरें बहुत अच्छे से खुल के आती है, लेकिन आटे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैदा और आटा दोनों में फ़र्क रहता है। और बनता तो दोनों गेहूं से ही है, लेकिन फ़र्क रहता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करके थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके और इसको मैं बेल लूँगी हल्के हाथों से। ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना है, अगर आप चाहो तो इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी हल्के हाथों से बेल लीजिए, तो काफ़ी अच्छे से बेल जाएगा। और ज़्यादा प्रेशर से बेलोगे तो जो लेयर बनी है ना, वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से, वो अच्छे से नहीं खुल पाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो मैंने हाथ से इसको बढ़ा लिया, इस तरह से हाथ से मैं बढ़ा सकती हूँ इसको, लेकिन बेलन से मैं आपको बेल के दिखाती हूँ।
बस यहाँ पर हल्के हाथों से इसको मैंने बेल लिया है, ज़्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। तो यहाँ बेल चुका है ये, तो इसको हम सेक लेते हैं। और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है, इसे घी से ग्रीस करा है और फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। तो बस इसको मीडियम फ्लेम पर हम दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे, घी से सेकिए या बटर से सेकिए, दोनों से काफ़ी अच्छा सेकेगा। यहाँ देखिए बहुत अच्छी से इसकी लेयरें दिख रही हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक आपको टिप्स दूंगी, अगर आप गेहूं का लच्छा पराठा बना रहे हैं और अगर इसमें आप मैदे का जो हमने स्प्रिंकल करा था आटा, अगर आप मैदा करते हो ना, तो ये लच्छे जो है ना और भी अच्छे से खुल के आएंगे, बहुत अच्छे से निकलेंगे, मतलब अलग अलग लच्छे दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ आटे का लच्छा पराठा शेयर करा है और आटे का ही स्प्रिंकल करा है बेलते समय और अंदर स्टफिंग में भी। तो बस यहाँ देखिए मैं इसको घी से सेक रही हूँ और ज़्यादा घी यूज़ में नहीं होता है सेकते समय, आप चाहो तो तेल से भी सेक सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे पलट देती हूँ और दोनों साइड से इसी तरह से सेकूंगी। देख रहे हैं आप लच्छे लेयर दिख रहे हैं आप, इसकी अलग अलग लेयर दिख रही है, तो बहुत अच्छे से इसकी लेयरें खुल के आएंगी। और बहुत से लोग क्या मैदा खाना मतलब अच्छा नहीं उनको लगता है, तो आप गेहूं से बनाइए, हेल्दी रहता है गेहूँ का पराठा। तो इस तरह से लच्छा पराठा बनाइए और एक या दो पराठे में आपका पेट भर जाएगा, दिन भर का काम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसको इस तरह से सेक लेती हूँ। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू आया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है बेल आइकन के साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप लोग मेरी रेसिपीज़ वॉच कर सको। यहाँ देखिए मैं आपको लेयर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से इसकी लेयरें दिख रही है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बनता है गेहूँ का पराठा भी, लच्छेदार। और मैदे का तो जो बनता है वो तो है ही, लेकिन गेहूँ का भी काफ़ी अच्छा बनता है और बहुत ही खस्ता बनता है, ये देखिए। तो चलिए सेक लेते हैं इसको और आप सभी से रिक्वेस्ट है रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए ये पराठा सिक चुका है दोनों साइड से और बहुत ही अच्छे से इसकी लेयर खुल के आई है, देखिए आपको दिखा देती हूँ मैं, काफ़ी अच्छे से खस्ता सिका है और लेयर देख रहे हैं आप इसकी, एक एक लेयर अलग अलग दिख रही है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, गरम गरम सर्व करिए आप पनीर की सब्जी से, दाल के साथ में, या आप चाहो तो इसे चटनी से भी खा सकते हो, या फिर आप इसे कोरा भी खा सकते हो बिना किसी उसके सब्जी के, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए बच्चों को तो बहुत पसंद आता है इस तरह की रेसिपी। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है रेसिपीज़ को फुल वॉच करा करें। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।